लॉकडाउन में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है इस समय मार्केट में? मतलब लॉकडाउन जो खुला गया है इसमें मार्केट में आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है पब्लिक के लिए? नहीं, मतलब अपने को ये राय चाहिए कि अपन जो लॉकडाउन खोल के बैठे हुए हैं इसमें मार्केट में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? मार्केट में अपन क्या जवाब दे सकते? नहीं, मतलब मार्केट में जैसे जो अपन ने कितनी सारी पब्लिक आ रही है जा रही है, तो इससे लॉकडाउन के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? लॉकडाउन में क्या थोड़ा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलना चाहिए बस, और यही है क्या सब? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलना चाहिए, अभी सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं रही। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग आदमी मेंटेन कर रहा है, गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है, इतना तो निकलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलते हैं आदमी और मास्क भी काफ़ी लगाते हैं। अपन किस प्रकार से मतलब देख रेख कर पा रहे हैं इस समय? अपन यही देखते हैं कि दुकानदारों को समझाते हैं और बाकी लोगों को आपको भी समझाते हैं, भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें और अपने सैनिटाइजर मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अभी प्रशासन के किस प्रकार से सख्ती के रवैये हैं? प्रशासन किस प्रकार से सख्ती कर रहा है इस समय? सख्ती कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये तो प्रशासन जाने। प्रशासन क्या, प्रशासन सख्ती कर रहा है लॉकडाउन को, लेकिन मेन काम तो आदमी इंसानों का होता है कि अपने सारे प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें। अपने को कोई निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से? हाँ, हमने यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क का उपयोग करने के लिए गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग अभी जैसे शहर के अंदर नहीं हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। नहीं, ये आप इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहेंगे, ये एक मीटर की दूरी का दायरा है जो प्रशासन ने दिया हुआ है, इसको आप सोशल डिस्टेंसिंग कहेंगे? एक मीटर रोड पे आप गाड़ियाँ चलेंगी तो बराबर से निकलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जब आदमी कोई चीज़ लेने जाता है तो मेंटेन करके रखता है ज़्यादातर। जैसे दुकानों पर कोई सामान लेने जा रही है पब्लिक, तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग हो रहा है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम यहाँ बाज़ार में खड़े हुए हैं, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति चिपक के खड़ा हुआ है, ज़्यादातर अपन देखें दुकान पर भी, मतलब यहाँ दुकान पर के सामने भी खड़े हुए हैं, इधर देखें कोई भी ग्राहक आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पावर नहीं यूज नहीं कर रहा है, जिस तरह से गोले बनाए गए हैं। नहीं, आप मार्केट में जाकर देखिए हो रहा है। मार्केट में अभी करीब बैरियर से लेकर यहाँ तक किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को सख्त होना चाहिए या नहीं? प्रशासन को तो सख्त है ही, लेकिन आम लोग जो पब्लिक घूम रही है उनको अपने खुद को भी तो मोटिवेट होना पड़ेगा ना। जी, आपका कहना है कि मतलब सारी जिम्मेदारी पब्लिक के ऊपर है? पब्लिक के बाहर, प्रशासन और पब्लिक के सहयोग से। ओके, धन्यवाद। हम यहाँ मार्कंडेश्वर बाजार में खड़े हुए हैं, ये पसारी बाजार की गली है। आप देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की कैसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है, यहाँ कलेक्टर प्रशासन के जरिए से सारे बाज़ारों में खुलने के जो आदेश दिए गए हैं उसमें डिस्टेंसिंग का बोला गया है कि आप सारे लोग डिस्टेंसिंग में रहकर व्यापार करेंगे। ये कंडीशन आप देख रहे हैं पसारी बाज़ार की, ये देखिए ये दुकानदार है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये देखिए आप। ये मास्क के गर्दन पे लगाने के लिए नहीं है, ये मास्क चेहरे पे लगाने के लिए है। अच्छा, इसका आपको प्रयोग करना है कि नहीं करना है? यहाँ करना है ना, कि ग्राहक आता है जब इसको हटा लेते हैं आप? नहीं भाई, लगा रहता है। सही काम मिला है आपको। आप ये बताओ कि लॉकडाउन जो खोला गया है इसमें पब्लिक डिस्टेंसिंग का क्या देखने को मिल रहा है आपको? कुछ नहीं डिस्टेंसिंग कर रही है, कुछ नहीं कर रही। तो ये लॉकडाउन जो खुला है इससे कोरोना बढ़ेगा या रुकेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, तो ये प्रशासन का जो नियम है लॉकडाउन खोलने का, आप इसके फेवर में है या नहीं है? समय का नियम तो सही है,
पर हम तुम नहीं कर रहे नियम का पालन। पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। पब्लिक नहीं कर रही, प्रशासन कहाँ तक सहयोग करेगा? प्रशासन क्या घर घर थोड़ी जाएगा? प्रशासन घर घर नहीं जाएगा। प्रशासन का काम सही है पर प्रशासन की जो जनता है ना वो काम सही नहीं कर रही। प्रशासन ने जितने निर्देश दिए हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन का पालन करें तो हम तुमको कभी जरूरत ही नहीं पड़े प्रशासन भाई साहब। आप बताएंगे ये गोले में रहकर काम क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? गोले में ही खड़े हैं भैया, ये गोले में खड़े हुए हैं, गोले बने हुए हैं लेकिन सारे व्यक्ति एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, क्या आप इसके फेवर में हैं? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है? प्रशासन ने जो निर्देश दिए हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, अपने पूरे बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही बाज़ार खोला गया है, क्या आप लॉकडाउन के फेवर में हैं? लॉकडाउन खुला रहे या चलता रहे? लॉकडाउन भी चलता रहे और बाज़ार में मार्केट भी तरीके से खुलती रहे जिससे ग्राहक कोई परेशानी ना हो, जनता के घर में भी सामान ठीक ढंग से पहुंचता रहे। इससे व्यापार पे कोई परेशानी आई है लॉकडाउन बंद होने के रहने से? परेशानी तो करीब करीब नहीं आई है, मतलब अभी वर्तमान में पब्लिक जितनी बाज़ारों में आ रही है इनकी ज़रूरतों के हिसाब से बाज़ार खुला गया है, क्या इनकी ज़रूरतें अपन पूरी कर पा रहे हैं? ज़रूरतें पूरी हो रही हैं लेकिन कम दुकानें खुलने से ज़्यादा भीड़ दिखती है, अगर ज़्यादा दुकानें खुलेंगी तो वो भीड़ बटेगी। इसका कारण क्या है, ट्रांसपोर्ट चालू नहीं होना है या? ट्रांसपोर्ट तो ग्वालियर से चालू है। ट्रांसपोर्ट चालू हो चुके हैं, मार्केट की स्थिति देखने में आ रही है कि ज़्यादातर आइटम ये कहके महंगे बेचे जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट नहीं चालू हुआ है। ग्वालियर वाले माल हम हुए हैं, दिल्ली से कोई नहीं आ रहा माल। दिल्ली से किसी तरह का माल नहीं आ रहा है, ग्वालियर से आ रहा है इसलिए महंगाई है। महंगाई भी कहाँ है, जो है जो तो लगता है कि बाज़ार नहीं खुल रहा है इसलिए महंगा माल ही महंगा कुछ भी पहले की रेटों में ही है। भाई साहब आप यहाँ पर सामान लेने आए हैं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है कि आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? अरे साहब कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, ध्यान दे रहा हूँ मैं अभी। अच्छा भाई साहब आप जैसे घर से निकले हैं तो अपने ज़रूरत के सामान के लिए निकले हैं या अपने और लोगों के सामान भी साथ में लेके जाएंगे? ज़रूरत के सामान के लिए निकले। आप अपने ही लिए लेने निकले हैं, मोहल्ले के एक दो लोगों का भी सपोर्ट कर रहे हैं? अपने लिए निकले हैं साहब। आपका इस समय दायित्व बनता है कि आप अपने आसपास के लोगों का भी, कुछ ज़रूरतमंद लोगों का भी मदद करें, कि आप इसके फेवर में हैं? बिल्कुल है, करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर मार्केट में आ रहा है अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना सामान तो ले ही रहा है, साथ में और लोगों की मदद के लिए भी उसकी अपेक्षा बनी हुई है। आप किस गांव से हैं भाई? जगतपुर। कौन सा? जगतपुर। जगतपुर से आए हैं? क्या किराने का सामान लेने आए हैं? तो इस समय आपको लॉकडाउन में रहते हुए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी। क्या क्या परेशानी? जैसे गाँव में रह रहे हैं, ज़्यादा परेशानी। गाँव में किस तरह की परेशानी आई अपने को? कुछ नहीं है, हर वक्त और कोई कुछ बात। गाँव में किसी तरह की परेशानी नहीं आई? और लोगों ज़्यादा जानकारी जानकारी नहीं है। ये सब्जी मंडी बाजार है जहाँ पर लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है। ये दुकानें जो हैं जो टर्न वाइज खुलना थी, जिनका टर्न नहीं है वो आज खुली हुई हैं और किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। Thank you.
ये चित्रकूट मिष्ठान भंडार है जो आगे से बंद है, पीछे से खुला हुआ है। Thank you.
लॉकडाउन रहा उस पीरियड में आपको फलल बेचने में कोई परेशानी आई? बैटरी लगा लूँ? हाँ ये जरूरी है, लगाना भी चाहिए। बोलूँ हाँ, आपको फल वगैरह बेचने में कोई परेशानी आई लॉकडाउन पीरियड में? लॉकडाउन पीरियड में भाव जी परेशानी बहुत आई। हाँ क्योंकि गली गली ने मैं घंटे फिर फिर के बेचा। हाँ पुलिस वाले रोड पर लगन नहीं दे रहे। हाँ बच्चे ही परेशान है। और वैसे आपकी बिक्री कैसी रही लॉकडाउन पीरियड में? बहुत बुरी रही थी। बुरी रही है? हाँ। तो रेटें वगैरह अपने को कैसी रखना पड़ी, पहले जैसी या नई रेटें रखना पड़ी? नहीं पहले जैसी, क्या भाव जी, वो तो नई जैसी रखनी पड़ी, पहले जैसी नहीं थी। तो इस लॉकडाउन में फल महंगा बिका या सस्ता बिका? सस्ता बिका। सस्ता बिका? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा कि मंडियों से माल निकल नहीं पा रहा, फल ज़्यादा बेच नहीं रहा, तो माल की कीमत व्यापारियों ने कम कीमत में बेचना का अच्छा नहीं। माल आ रहा था लेकिन बिक नहीं रहा था। बिक नहीं रहा। तो ये मार्केट में माल आ रहा था? आ रहा था। अच्छा। हाँ ये अभी की वर्तमान स्थिति जो लॉकडाउन खोला गया है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, ये अच्छा है या ख़राब है? ठीक है भाई, अच्छा ही है। अच्छा, ये व्यापारियों के लिए मजदूरों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये घातक हो सकता है या नहीं हो सकता? घातक हो सकता है। घातक हो सकता है। इसमें आपकी क्या राय है कि पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पालन पालन होना चाहिए। आप काय का ठेला लगाते हैं? अच्छा, आपको ये लॉकडाउन पीरियड में कोई परेशानी आई किसी तरह की? अभी तक तो नहीं। बेचने में कोई परेशानी आई? पुलिस प्रशासन ने परेशान किया मैं तो गलियों में किसी भी तरह का? तो ये आप कब से कर रहे हैं काम? मैं तो करीबन, मेरे को तो पूरा उम्र ही हो गया, 12-13 साल हो गए ये काम करते करते। तो पहले की बिक्री में अभी की बिक्री में अंतर आया कुछ? अंतर तो आया है। अंतर तो होगा। किस प्रकार का अंतर आपने देखा? नहीं मौज लगा रहे हैं लोग। अंतर तो ये है कि लोग बागों में पैसे नहीं है। हाँ तो लोग बाग कहाँ से खाए? धंधा किसी के लिए है नहीं है, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। मार्केट में माल पर्याप्त आ रहा है? माल तो खुला रहा। तो ट्रांसपोर्ट वगैरह खुली है या बंद है? ट्रांसपोर्ट का नहीं पता है, ये मंडी की वगैरह सब खुली हुई है। तो मंडी में माल कहाँ से, ट्रांसपोर्ट से आता होगा ना? नहीं नहीं, ये तो गाड़ी वगैरह लाती है लोग, कार से आता है। आप इस बात से सहमत हैं कि लॉकडाउन खुला रहना चाहिए? देखो जैसे बीमारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी हो तो नहीं खुलना चाहिए। तो खुलने से लॉकडाउन बढ़ेगा या कोरोना बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, लोग बाग इधर उधर से आएंगे तो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इसमें आप क्या सावधानी रखना चाहेंगे? सुविधा रहे, बढ़िया रहे, दूर रहना चाहिए, एक एक दो दो तीन तीन फुट दूर रहना चाहिए, ये सावधानी ज़रूरी है। धन्यवाद।